तो हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू अभिम्यू आई एस और हम कर रहे हैं सेट की तैयारियां जोरों शोरों से तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हेल्थ वेल्थ वाइज बहुत अच्छे होंगे हेल्थ आपकी ठीक होंगी और तैयारी में आप लगे होंगे तो बच्चों देखो जो तो अपना यह गाड़ी धीरे धीरे चल रही है ना दो से हमने सफर शुरू किया वो अब आ चुका हमारा दो में और हमने दो के पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा मैंने स्पेशली क्योंकि मुझे पता है दो हज़ार इक्कीस के पेपर बहुत अच्छे थे ठीक है तो आज भाई हम करने वाले पार्ट फोर पार्ट थ्री पार्ट थ्री में भी कम क्वेश्चन थे पार्ट टू में भी और पार्ट वन में भी तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा लाइक तो आप कर ही रहे हैं सब्सक्राइब आप चैनल को कर ही रहे हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कमेंट भी जरूर करें क्लियर सो हैप्पी मोमेंट्स बिकॉज आपको आप पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन आने हैं देखो तो जब तक आप खुद सोलूशन नहीं करेंगे ना आपको कुछ नहीं समझ आने वाला मैं भी बता रहा हूँ मैं जितना मर्जी करवा लू जब तक आप खुद पेन से करेंगे नहीं ना दोबारा इनको देखो मैं एक मेथड बता रहा हूँ क्या पता इसे बेस्ट मेथड आप निकाल पाए रखिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और अगर तैयारी किसी को शुरू करनी है तो सही समय आ चुका है दोस्तों इसके पहले लेट हो जाओ इसके पहले कुछ और समस्याएं जीएस की चिंता सताने लगे प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच जी हाँ। ऐसे भाषा भाषा है ना ऐसे देखो ये भी ऐसा है ना मैं भी खड़ा होता हूँ चलो इसका मतलब क्या है कि देखो टाइमिंग इसकी क्या है जो हमारा भी लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ उसकी टाइमिंग है दिन से लेकर साढ़े ये बैच हफ्ते में चार दिन है फोर डेज वीक बैच है टोटल लेक्चर इसमें मिल रहा है आपको एक प्लस यानी एक से अधिक लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे इसमें बट इन 180 सौ लेक्चर्स को भी हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है क्या मतलब ये 180 अस्सी लेक्चर्स को 180 प्लस देखो 90 लेक्चर जो हैं मेरे पास किसके हैं कोर्स के हैं है, और 90 प्लस रिकॉर्डेड मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने किए हो वो पढ़े डर

देखिए इसमें क्या है जो तो प्रीवियस ईयर लेक्चर है वो आपके पंद्रह है, हैं टोटल ठीक है एमसीक्यू एमसी प्लस है और लाइव है कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी हर टाइम खुला हुआ वहीं पे आप डाउट्स भेज सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो भी कर सकते हैं इस पर आप डाउट भी भेज सकते हैं बट अच्छे डाउट्स भेजिएगा कोई बात नहीं मैं उसके भी रिप्लाई करूँ चिंता ना करूँ वैसे ही मैं रिप्लाई करता हूँ तो उस पर भी करूँगा मैं क्लियर चाहे आप हमसे पढ़े चाहे ना पढ़े बट अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है जी चलो तो नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन ये हमारा नंबर है कॉल या व्हाट्सएप के लिए अब इसमें कोई इंक्वायरी भी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं और इस बैच में क्या मिल रहा है जी हाँ बहुत कुछ है ये तो सिरे मैंने बताया कि बैच में मिल क्या रहा है और क्या है देखो सबसे पहले क्या होता है आपके पास वीकली शेड्यूल मेरा क्या होता है वीकली शेड्यूल मतलब नेक्स्ट लेक्चर कौन से आने हैं अगले हफ्ते कौन से लेक्चर किस दिन कौन सा शेड्यूल बनेगा वो तो सबसे पहले अपडेट हो जाता है सपोज कीजिए आपका कोई लेक्चर है इस लेक्चर के साथ में क्या क्या चीजें अटैच है यस इस लेक्चर के साथ क्या होगा सबसे पहले लेक्चर पीडीएफ लेक्चर पीडीएफ होगी नंबर दो रिसोर्सिस नंबर तीन प्रैक्टिस शीट अब देखो जरा क्या है ये ये जो मेरा बैच है ना बेसिकली पांच बजे तक है अब कहोगे सर ये तीस मिनट क्या करें चर्चा? चर्चा करेंगे भाई चर्चा क्या चर्चा करेंगे ये जो प्रैक्टिस शीट है इसकी चर्चा या आपको डिस्कशन हम साढ़े चार से पांच बजे तक कर रहे हैं ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना क्यों ये बैच इतना स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे ये मिल रहा है नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है आपका रिसोर्स रिसोर्स क्या होता है रिसोर्स चैप्टर का वो पार्ट हो सकता है जिसमें कुछ फॉर्मुलाज हो कुछ ट्रिक हो सकते हैं कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ पॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्या है लेक्चर पी मतलब हम इस लेक्चर में जो करवाना है उसकी पी पहले ही पोर्टल पर अपडेट कर दी जाती है ताकि ऑनलाइन और बच्चे आराम से उसको देख सकें और अवेल कर सकें क्लियर जो बच्चा ऑफलाइन है उसे तो पी पी दिख जाएगी बट जो ऑफ ऑनलाइन वाला बच्चा उसको कैसे मिलेगा तो लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल है क्लियर अच्छा और क्या मिल रहा है अच्छा जी हाँ और भी मिल रहा है देखो आपका संडे को है है आपके पास आपका वीकली टेस्ट ठीक अभी वीकली टेस्ट क्या होता है भाई क्या होता है हफ्ते में किया जो भी हमने लेक्चर्स किए उसका एक टेस्ट उसी टॉपिक का एक टेस्ट आपका वीकली टेस्ट के तौर पर होता है अब वीकली टेस्ट के साथ क्या है आपका अगर मैं वीकली टेस्ट की बात करूं इसका सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट किसी भी टेस्ट का सोल्यूशन वाला वीडियो सोल्यूशन जब आप वेल, आप, आप वेल करेंगे तो आपको पता चलेगा जो जो टेस्ट हों सबके वीडियो सोलूशन वहां पे ऑलरेडी लगे हुए हैं क्लियर तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसका परचेज लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर चलिए जी नेक्स्ट है मेरे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्या है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे

सत्तर तो परसेंट थोड़ा सा ज्यादा फिफ्टी से मतलब भी क्या होगा सेवेंटी परसेंट क्या मेरे पास कॉटर एंड वॉटर चलो भाई तो सोलह परसेंट क्या मेरे पास इसमें प्रोटीन मार्ट है उसने क्या बोला ड्राई एलिमेंट इफ बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई, ड्राई मतलब प्रोटीन एंड अदर ड्राई टोटल में कितना पी? पी में से सोलह ही आ गया सत्तर ही है सत्तर में से कितना बचा? बचा? क्लियर? तो यहां में देखो ये अगर मेरा टोटल कितने बचा? बचा, वो क्या कह रहा है? इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन चार्ट मतलब देखो ये टोटल पी है कितना बचा मतलब आई टू फाइंड आउट द वैल्यू इन द पाई चार्ट मतलब अगर परसेंटेज में थर्ट है तो डिग्री में कितना होगा बेसिकली मुझे ये बताना देखो ऑप्शन सर फिफ्टी फोर डिग्री नाइन सिक्स डिग्री वन जीरो डिग्री एंड ट्वेंटी <coughs> देखो अगर मैं बात करूँ मेरे पूरे सौ परसेंट की वैल्यू कितनी है दो चीज़ परसेंटेज में सो डिग्री में कितनी है मेरे पास ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्लियर सौ परसेंट की वैल्यू कितनी है थ्री सिक्सटी डिग्री तो बेटा एक परसेंट की वैल्यू कितनी आई छत्तीस बटे दस डिग्री ठीक है मुझे कितने की वैल्यू निकालनी आई है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 30% तो 30% की वैल्यू कितनी है 36/10 30 क्लियर तो 36 into 3 हाउ मच 108 डिग्री बिकॉज इट इज इन डिग्री द ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही आंसर है जी क्लियर हो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन चलो x said to y ये जिसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है

बयालीस माइनस वाई यानी वाई जीरो का है तो एक्स कितना का होना चाहिए बयालीस माइनस ओ वाई सिंपल डाउट इसमें अब देखो वो कह रहा है भाई, अब मैं दो गुना हूं यानी फोर्टी टू माइनस वाई इज इक्वल टू टू वाई तो कितना हो गया फोर्टी टू इज इक्वल टू टू वाई प्लस वाई तो थ्री वाई इजिकल टू फोर्टी टू तो वाई कितना आ गया मेरे पास यानी वाई आज कितने साल का भाई चौदह तो वर्ष क्लियर एट ईयर अगो द एज ऑफ एक्स वॉज फाइव टाइम्स एज ऑफ देखो भाई एक्स और वाई फोर्टी टू फोर्टी कितने साल पहले कह रहे हैं भाई वो आठ साल पहले माइनस आठ ये कितना होगा थर्टी फोर का नहीं हो सकता और माइनस एट सिक्स तो भाई गलत हो गए छ कितने है? नहीं है भाई फाइव टाइम्स नहीं तो पहले तो गलत हो के, के गया सेकंड क्या कह रहा है आफ्टर फोर्टीन ईयर्स यानी चौदह साल के बाद

यानी प्लस असी का एक बटा कितना होगा? ठीक है जी तो एक मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से ये बड़ा तरीक है। क्योंकि जब आप मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे इलेवन वन बाय नाइन फोर्टीन टू बाय सेवन अगर ये दो तीन फ्रैक्शन आते हैं फिर आपके लिए कहीं कही ना कहीं समस्या पैदा हो सकती है मैं करूँगा ओरिजिनल फाइनल वाले तरीके से अपने मेथड टू क्या मेथड नंबर वन मेथड नंबर टू ओके सबसे पहले ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज है इसका मतलब वन बाय फाइव ठीक है जी इसका मतलब ओरिजिनल और फाइनल का रेशो क्या बनेगा अगर कोई चीज पांच की थी एक कम करो चार हो गया पांच से चार हो गया क्लियर नंबर दो पे क्या है इंक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट तो भाई ट्वेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास एक बटे चार यानी जो चीज चार थी वो कितने की हो जाएगी पाँच की यानी पाँचों के बीस पाँचों के बीस तो नेट चेंज क्या आया जीरो जो पहले वैल्यू बीस थी अभी की थी नहीं बीस बात खत्म कौन सा तो रिज ऑप्शन नंबर है ये ज्यादा अच्छा तरीका है रेलिवेंट तरीका करने का क्लियर चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेस वंस ओनली मतलब सिर्फ 1 1 1 आर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर देखो मैं एक बात पे चलूंगा ठीक है मैं कोई भी नंबर ले रहा सपोज करो मैं ए ले रहा हूं 1 7 1 मैंने कोई भी ऑप्शन चूज कर ले रैंडमली जो मेरा दिल कर रहा बिकॉज़ आंसर एक, एक, एक से आ जाएगा देखो सबके एंड में तीन तीन है मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई किसे करना बच्चों ध्यान से सुनना आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय और मेरे पास सिर्फ वन 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 ऐसा इक्कीस तो एक दो ये कन्फर्म है, ये ये है अब यहां पे भी मुझे क्या चाहिए यहाँ मुझे चाहिए बने वन कैसे बनेगा या तो यहाँ पे ग्यारह बने या इक्कीस बने ऐसी कुछ वैल्यूज बने एंड में वन है और ये याद रखना मेरे पास टू है तो जो भी मेरा नंबर आएगा या तो वो नाइन के डिजिट में आना चाहिए ऐसे आना चाहिए ऐसे आना चाहिए या उनतीस ना है नाइस परसेंट कुछ भी आ सकता है है ना सिक्सटी थ्री तक क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नाइन आ सकती है तो एक बात आओ अगर मैं ऑप्शन को देखू देखो यहाँ पे अगर टू आएगा सातों दिन चौदह और दो सोलह छह आएगा नहीं चाहिए इसको काट दो ये खत्म हो गया नेक्स्ट कितना आठ देखो आठ है पुट करते हैं छप्पन दो अट्ठावन आठ आएगा बिल्कुल नहीं अगर मैं सात पुट करता हूँ सपोज करो मैं सात है यहाँ पे कितना आठ सात सात उनचास इक्यावन एक पाँच कितना आएगा भाई छप्पन इकसठ एक पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच एक सौ पाँच और एक सौ ग्यारह तो यही आंसर मेरा बिल्कुल सही है तो अगर दिमाग से आप करोगे ना आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी

प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन दोनों को ऐड करो भाई टेन एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ टेन वाई प्लस एक्स यानी इलेवन ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस करो जरास प्लस वाई माइनस ऑफ टेन वाई प्लस एक्स टेन एक्स प्लस वाई माइनस टेन वाई तो नाइन टाइम्स लोग क्या आ गया X -Y. अब आपको डिफाइन करना देखो सम ऑफ टू डिजिट कैन नंबर वो कह रहा है, अगर मेरे को दो का डिटरमाइन ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज दिया हो तो है? करो मेरे पास कुछ भी था मैंने बोला एक्स वाई मेरे पास था सेवन टी ठीक है तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया सात हो गया एक्सवाई मैं लेता हूं सेवनटी टू ठीक है तो इसके कई सारे केस बन सकते हैं आपके पास एक्स वाई अगर सेवनटी टू है तो नाइन एट आ सकता है आपके पास ठीक है, तो है पास। और क्या आ सकता है भाई चौबीस तीन आ सकता है बट सिंगल डिजिट चाहिए मुझे क्लियर तो क्या पहले वाला अपना सही है क्या पहले वाला टू सही है देखते हैं जरा इसको ध्यान से चलिए तो देखो अब अपने पास क्या दिया है ये समझ आ गई अब हमें एक चीज और दी है कि

नेक्स्ट इज मेरा माइक्रो कोर्स वट इज अभी माइक्रो कोर्स अभीपीडिया माइक्रो कोर्स एक नया वे है एक एडवांस मेथड है आपके सिलेबस को जल्दी खत्म करने का वो भी एक्यूरेटली बट कैसे कैसे क्यों हर बार हर वीडियो में माइक्रो कोर्स को इतना बोला जाता है कि करो माइक्रो कोर्स करो माइक्रो कोर्स क्यों बिकॉज माइक्रो कोर्स करने के बाद है ना एक नजरिया चेंज हो जाएगा जिन बच्चों ने किया ना है उन्न बात कि सर आउटस्टैंडिंग सीरियसली करके देखो फिर पता चलेगा कोई एक चैप्टर उठा के देखो छोटा सा बहुत कम किया ऐसा नहीं कि आपको बहुत हज़ारों रुपए देने वो तो पचास रुपये में कोई दो सौ रुपये में एक चैप्टर लेके देखो आपको पता चले अरे साढ़े तीन सौ से कम कर दो सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम है जो आपको बीस प्लस क्वेश्चन दे रहा है मतलब अगर नंबर सिस्टम अच्छे से हो जाए ना आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन की रेस में बहुत आगे हो क्लियर आप कैसे बेल करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और पेड कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला उसमें चलिए चलिए चूज एग्जाम करेंगे सिविल सर्विसेज क्लियर देखिए जैसे मेरे पास सारे सब्सक्रिप्शन वीडियो हैं टेस्ट हैं एंड दीज आवर माइक्रो कोर्स ठीक है, है जी यहाँ पे आप अपना दस डीज का मोबाइल नंबर डालेंगे कॉल में व्हाट्सएप करेंगे तो आपसे अपने आप टीम जुटेगी उसकी कोई दिक्कत वाली बात क्लियर जैसे मैं बात करूँ माइक्रो कोर्स जैसे मेरे पास क्या है <coughs> मैं बात करता हूँ मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की क्लियर चलिए देखिए पूरा बंडल थ्री ट्रिपल फाइव का जैसे सिर्फ नंबर सिस्टम अगर किसी बच्चे ने करना हो पूरा कोर्स नहीं करना चाहता और कल को अगर आप बाई चांस जैसे नंबर सिस्टम किया पूरा कोर्स भी खरीदने जाएंगे ना तो नंबर सिस्टम के पैसे अपने आप हट आप जाएंगे आपको दोबारा नहीं पे करना पड़ेगा उतना क्लियर तो अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम करना तो ऑलमोस्ट आपको पता बीस परसेंट नहीं पच्चीस परसेंट से ज्यादा आ रहा है ठीक है तो ये तीन सौ चौबीस रुपए का दस इसके अंदर आउटस्टैंडिंग लेक्चर है नौ वेब नोट और चार सौ इक्कीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके और छह मिनट की छोटी सी मिठाई दी है भैया चखली जी और बताइए टेस्ट में किसी मतलब छह मिनट का ट्रायल आपको दिया और ये सिर्फ नंबर सिस्टम के साथ ही बच्चों हर एक टॉपिक के साथ दिया हुआ जैसे मैं बात करूंगा सिंप्लीफिकेशन की बोर्ड फ्रैक्शन डेसिमल रूट्स क्यूब क्यूब परसेंट ये सारे में आते हैं आपके तकरीबन तकरीबन पंद्रह से सोलह परसेंट सिंप्लीफिकेशन आता है आपका एक सौ चौदह रुपये में चार आउटस्टैंडिंग लेक्चर है वेब नोट्स दिए हुए एक सौ सत्रह क्वेश्चन दिए हुए और इन क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर भी भाई कवर हो रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है नेक्स्ट है मेरे पास परसेंटेज जैसे परसेंटेज की मैं बात करूँ 167 का चार से है, चार वेब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास। तो भैया देखिए क्या है इसमें आपको छह मिनट का यहाँ भी ट्रायल मिल रहा है कॉम्बिनेशन हो गया ऑलमोस्ट आठ से दस परसेंट आता है आपके पास एक सौ पच्चीस रुपए का तीन लेक्चर तीन वेबनोट्स वन एटी से हर एक चैप्टर का दिया बच्चा कोई भी चैप्टर हो कोई भी चैप्टर

है है, 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 आपके पास आपका और ये सारी चीजें हर एक चैप्टर के साथ भी छः मिनट का ट्रायल है और आपके पास वेब नोट्स और क्वेश्चन इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इंग्लिश कॉम्प्रीहशन की दो इसके अंदर है एक बंडल है पूरा बंडल है कितने का आपके पास देखिए ठीक है चार सौ बारह रुपए का आपके पास क्या है

ये वो बैच है जो आएगा इसमें आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या बन चुके। ये उन बच्चों की तरह तो सोच करेंगे तैयारी शुरू करेंगे कर नहीं इन्होंने सोचा था तो दृढ़ संकल्प के साथ और कुछ तो बच्चे ऐसे भी थे इसमें जॉब के साथ तैयारी भी कर तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप जॉब नहीं कर जब नहीं भाई इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो जॉब के साथ भी तैयारी करके बने क्लियर तो जैसे मिस्टर स्पर्श यादव की बात करू फिफ्टी वन रैंक था टू जीरो टू थ्री में अर्नब की बात करूँ तो फिफ्टी सिक्स जैसे मैं बात करूं ठीक है नताशा गोयल मुदगिल सोनू कुमारी ठीक है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ये कोई एक लिस्ट नहीं बहुत लंबी लिस्ट है बाईस सौ से ज्यादा बच्चे हैं क्लियर तो याद रखिए जब आपने बोला स्टार्ट करना है तो उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है वो तो आपकी दिक्कत है आप कब भागेंगे वो रेस भागते ना वो बंदूक चलाते ओलंपिक या कहीं भी रेस लगा रहे हैं बोलते स्टार्ट ठा तो जब वो के ना गोली के आवाज आ गई उस टाइम आपने भागना शुरू कर देना है तो नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो अच्छा दिखा रही है और मैं नहीं कह रहा ये भाई हम अच्छा पढ़ाते हैं वो ये इनके स्वर्णिम शब्द कह रहे हैं पढ़िए आपको पता चलेगा वी आर आरिंग वाई वी आर द बेस्ट पढ़िए 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 इन चीजों को पढ़िए देखिए कितने सारे हैं एक नहीं है बहुत सारे मल्टीपल्स हैं पढ़िए इनको जरा पता चलेगा क्यों अभिमन्यु आई एस इतनी सारी सिलेक्शन दे रहा है हर साल रीजन है इसके पीछे ये है, ये ये रीजन रीजन है बताएगा आपको मैं नहीं बताऊंगा आई एम नॉट द द राइट राइट पर्सन पर्सन दे आर बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली बात अपने अकेडमी को अपने इंस्टीट्यूट को अपनी इस घर परिवार को अच्छा ही बोल दूंगा बट जो यहां से पास होके गया है सिलेक्शन लेके गया है वो अगर बोलेगा जब ज्यादा मजा आएगा और ये उन्होंने बोला बोल ठीक है तो मेरा घर कितना सुंदर है वो आपको ये बच्चे बताएंगे हमारे प्यारे अधिकारी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को भाई शेयर जरूर करिए और प्लीज रिसेट करने का सही समय है ऐसा ना हो कि आप सोच के बैठे दो तीन महीने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद